नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका प्रियंका एकेडमी। आशा है आपको मेरे द्वारा समझाए गए विषय समझ आ रहे होंगे। छात्रों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे भी हिंदी विषय पर अपने वीडियोस अपलोड करूं और व्याकरण के टॉपिक्स को भी इंक्लूड करूं, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो छात्रों, आज का हमारा जो विषय है वो कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज की कविता 5 उत्साह का ही दूसरा पार्ट अट नहीं रही के है से लिया गया है। इससे पहले मैंने उत्साह पर अपनी एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने जो उनके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो में जाकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा है इस वीडियो को, इस टॉपिक को भी आप पूरा देखेंगे, ताकि आप विषय को अच्छे तरीके से समझ सके। तो हमारी जो कविता है वो है अट नहीं रही है। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें इस कविता के माध्यम से वसंत ऋतु का महत्व को, उसकी मादकता को प्रकट करती है कविता। अट नहीं रही है का मतलब है कि जब वसंत का महीना है, फागुन जो है हिंदी कैलेंडर का एक महीना है। अभी तक जो हमारे महीने हम जनवरी फरवरी की बात करते हैं वो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर में महीना होता है फागुन का, ये होता है फेब के मिड में, फरवरी के मध्य में और मार्च से पहले। इसमें आप देखते हैं कि ना ज़्यादा ठंड होती ना ज़्यादा गर्मी होती है, काफ़ी सुंदर मौसम होता है, वसंत ऋतु का समय होता है। तो नई नई पत्तियाँ आती हैं, फूल गिरते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो इसी सुंदरता को कवि ने यहाँ पे वर्णित किया है कि मादकता यानी नशा जो है वो उनको मोहित कर रहा है, उस नशे को वो छोड़ नहीं पा रहे। किस कौन से नशे की? प्राकृतिक सौंदर्य से उनकी नज़र हट नहीं रही है, वो चाहकर भी वो असमर्थ है उस सौंदर्य से अपनी नज़रों को हटा पाने में। और यहाँ पे जो चारों तरफ सुंदरता है उसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रतीकों से, अलग अलग बिंबों से यहाँ कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और जब व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसको चारों तरफ खुशी खुशी, सौंदर्य सौंदर्य, उल्लास ही, अगर खुश है तो उसको सारी तरफ पॉजिटिविटी नजर आती है। और यहाँ पर जो कवि है उन्होंने सुंदर शब्दों के चयन से, उचित लय ताल से इस कविता को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। तो आइए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कवि ने क्या किया है कि जो प्रकृति है उसका मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण होता है छात्रों कि नेचर को, और उसने इंसान के साथ कंपेयर किया कि जिस प्रकार एक इंसान होता है उस प्रकार प्रकृति को इंसान के रूप में दिखाया। इंसान किस तरह खुश होता है, किस तरह चीज़ों करता है, क्रियाकलाप करता है, वो सब इंसान की तरह प्रकृति को उसने हमारे सामने प्रस्तुत किया। पद पढ़ रही हूँ मैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। और यहाँ फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि, यानी वसंत ऋतु के सौंदर्य में जो कवि है वो पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, उसको सर्वत्र हर जगह फागुन का खुशी ही खुशी, उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का जो उन्माद है वो उसको समाता हुआ नहीं दिखता, यानी उसको ऐसा लगता है जो सौंदर्य है वो कहीं किसी चीज में हम कैप्चर ही नहीं कर सकते, वो इतनी सुंदर है प्रकृति, हम उसको कहीं सीमित नहीं कर सकते। तो कभी फागुन से कह रहा है कि फागुन के महीने से कह रहा है कि हे फागुन, अट नहीं रही है कि तेरे सौंदर्य से जो नजर है मेरी हट नहीं रही है। आभा, आभा यानी तेरी जो चमक है फागुन की, तन यानी जो तन अर्थात शरीर, तो तूने जो ये पेड़ पौधे, जो ये प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, वो ऐसे लग रहा है कि किसी मनुष्य के तन को चमक प्रदान कर रही है। और सट नहीं रही है कि वही मेरी नज़र तेरे सौंदर्य में हट नहीं रही है, ना ही मेरे नज़रों में समा पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और जब तुम श्वास लेते हो, और हे प्रकृति जब तुम सांस लेते हो, सांस लेने का मतलब जब हवा चलती है, तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध के चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। घर घर भर देने का मतलब जब प्रकृति में हवा चल रही है, तो हवा चलने से क्या होगा, जो पेड़ है, पौधे हैं, फूल हैं, पत्ती हैं, तो हवा के साथ साथ उनकी खुशबू अपने साथ वो इधर उधर बखेर देते हैं। तो घर घर भर देने का मतलब कि पूरी प्रकृति, हर इंसान, हर किसी के घर को तूने खुशबू से, सुगंध से भर दिया है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही हैं। उड़ने को नभ में तुम, नभ अर्थात आकाश, पर पर कर देते हो। आगे चल के कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर, पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते, यानी
तेरी जो प्रकृति का सौंदर्य है, ऐसे लगता है उसने पर लगा लिए और आकाश में उड़ रही है, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। पर यानी हर जगह सुगंधित हो उठती है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और कभी चाहकर भी जो उसके सौंदर्य है वो अभी भी धोकर अभिभूत हो चुका है, और वो सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा नहीं पा रहा है, उसको वो दृष्टि से हटाने में असमर्थ है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और जो डाल है वो पत्तों से लदी हुई है, कहीं हरी है कहीं लाल है। आपने देखा है ना, जब पेड़ों की डालों पे पत्तियां आती है तो वो शुरू में जब नई नई होती है तो वो लाल रंग की होती है, जैसे जैसे वो परिपक्व होती है, मेच्योर होती है, तो वो हरी होती जाती है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नव पल्लवों से लदी पेड़, यानी जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत छोटे, वैसे ही वो पत्तियां हरी हरी है, तो वो नई नई निकल रही है, तो लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो कोई पत्ती हरी है, कोई पत्ती लाल है, कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मे अर्थात हृदय में, प्रकृति के हृदय में। प्रकृति का हृदय क्या है? सौंदर्य, पेड़ पौधे, जो भी नेचर के अंदर सब कुछ आता है वो उसका हृदय है। मंद हल्की गंध खुशबू, पुष्प, पुष्प यानी फूलों की माल अर्थात माला, कि ऐसे लग रहा है हृदय में कि प्रकृति के बीचों बीच कहीं फूलों की माला पड़ी है, जो हल्की हल्की खुशबू प्रदान कर रही है, और वो प्रकृति में सौंदर्य और प्रसन्नता भर रही है। पाट पाट जगह जगह शोभा श्री, सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है और समा नहीं, और जगह जगह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो ये एक छोटी सी कविता है छात्रों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें परेशान मत होइएगा। इसमें समरी यही है कि ये एक नेचर है, फागुन की बात हो रही है, कवि उस सौंदर्य को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो चुका है कि वो चाहकर भी उससे अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा है, और यहाँ पर उसने उस फागुन को इंसान के साथ कंपेयर किया है। एक छोटी सी कविता है, आशा है आपको ये पोयम समझ आई होगी। आप इस पोयम के लिए प्लीज चैनल को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।